नमस्कार साथियों, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। भारत में 3 मई को ईद उल फितर मनाए जाने के दिन कई सोशल मीडिया यूजर्स ने एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में कुछ लड़के मजहब है इस्लाम सहित इस्लामी नारे लगा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राजस्थान के झलवाड़ा जिले के आवर इलाके में लिए गए इस वीडियो में पाकिस्तान समर्थक के नारे भी सुने जा सकते हैं। यूजर्स ने वीडियो में दिख रहे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इस आर्टिकल के लिखे जाने तक कई यूजर्स ने अपने पोस्ट डिलीट कर लिए हैं। शेयर करने वालों की लिस्ट में ट्विटर यूजर ऋतिक व्यास भी शामिल है, जिनके ट्वीट को सबसे ज्यादा लाइक्स और ट्वीट मिले हैं। ऋतिक व्यास ने राजस्थान पुलिस, झलवाड़ा पुलिस और कई बीजेपी सदस्यों को टैग किया था। ट्विटर और फेसबुक पर भी कई यूजर्स ने ये वीडियो शेयर करते हुए दावा किया कि वीडियो में कई लोगों को नारेबाजी करते हुए सुना जा सकता है। फोन के सबसे पास वाला व्यक्ति वीडियो रिकॉर्ड करते हुए शुरुआत में जिंदाबाद जिंदाबाद मजहब इस्लाम का नारा लगाता है। इसके ठीक बाद दूसरे लोग अल्लाह अकबर कहते हैं। फोन के पास खड़ा शख्स अलग अलग टाइम फ्रेम पर ये नारे लगा रहा है। सबसे पहले आप समझ लीजिए, 6 सेकंड से 15 सेकंड तक नारा है तकबीर अल्लाह अकबर, 16 से 22 सेकंड जिंदाबाद जिंदाबाद मजहब इस्लाम जिंदाबाद, उसके बाद 23 सेकंड से 30 सेकंड तक देखो हमारे नबी की शान बच्चा बच्चा है कुर्बान। ऋतिक व्यास के ट्वीट पर जवाब देते हुए झलवाड़ा पुलिस ने बताया कि इस मामले में जांच की जा रही है। सेल के एक अधिकारी से संपर्क किया, उन्होंने स्थिति पर कोई अपडेट नहीं दी। रिसर्च के दौरान अल्ट न्यूज को इमरान रंगेज नाम के एक लॉ स्टूडेंट का ट्वीट मिला। उन्होंने लिखा, मजहब इस्लाम जिंदाबाद के नारे को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताकर मनगढ़ंत अफवाह फैलाई जा रही है। उन्होंने आवर के स्थानीय निवास से हमारा संपर्क किया, जिन्हें इस घटना के बारे में पुख्ता जानकारी थी। नाम ना छापे जाने की शर्त पर एक स्थानीय युवक ने बताया, वो कहता है कि इस बात पर काफी आश्चर्य हुआ कि फर्जी खबर फैलाने वाले व्यक्तियों को पुलिस ने रिहा कर दिया, जबकि वीडियो में पहचाने गए 2 मुस्लिम व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया। हमें उम्मीद है कि उन्हें जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। 5 मई तक उन्हें रिहा नहीं किया गया। इस घटना पर पत्रिका की एक रिपोर्ट शेयर की, जिसकी हेडलाइन थी, ईद के जुलूस में देश विरोधी नारे लगाने का वीडियो वायरल। घटना अवर पगड़िया इलाके की है। पत्रिका की हेडलाइन इतनी भ्रामक है क्योंकि आर्टिकल में लिखा है वायरल वीडियो को जांच के लिए साइबर सेल को भेजा गया था। कोई राष्ट्र विरोधी नारे की बात साबित नहीं हुई है। रिपोर्ट में झलवाड़ा के गुरड़िया गांव के सरपंच गोविंद सिंह चौहान का एक बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है, वीडियो वायरल होने के बाद कुछ गलतफहमी हुई थी। पुलिस की जांच के बाद स्थानीय लोगों ने मामले को सुलझाया। पगड़िया के SHO राम प्रसाद ने ऑल्ट न्यूज को बताया, वीडियो में कोई राष्ट्रीय विरोधी नारे नहीं सुने जा सकते हैं क्योंकि स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी, इसलिए हमने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 151 अपराधों को रोकने के लिए गिरफ्तारी के तहत 2 मुस्लिम युवकों को हिरासत में लिया। कुल मिलाकर मुस्लिम समुदाय के सदस्यों द्वारा इस्लामी नारे लगाने का एक और वीडियो इस झूठे दावे के साथ शेयर किया गया कि वे पाकिस्तान समर्थक के नारे लगा रहे थे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिस तरीके से ये लोग अफवाह फैला रहे हैं और लगातार इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्वीट कर रहे हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को समर्थन देते हुए इस तरीके से ट्वीट किए जा रहे हैं, सोचने और देखने वाली बात यह है कि उस टाइम पे पुलिस क्या कर रही थी और इस तरीके की वीडियो को वायरल करने से पहले क्या ये नहीं देखा गया था कि उसमें नारे किस तरीके के लग रहे हैं। क्यों लगातार कुछ लोग इस तरीके से एक ही समुदाय को टारगेट करते हुए हर बात को मुद्दा बना रहे हैं, कभी उनके नारों को लेकर तो कभी उनके नमाज और कुरान, कभी हिजाब को लेकर तो कभी लाउडस्पीकर को लेकर, लगातार इस तरीके के भ्रामक मुद्दे देश में फैलाए जा रहे हैं लगातार। न जाने क्यों ऐसे लोग इस तरीके की स्थिति बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
हमारे देश के सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब इस तरीके की वीडियो को लेकर ट्वीट किए गए तो उन लोगों के ऊपर किस तरीके की कार्रवाई की गई, क्या उनको हिरासत में लिया गया? वहीं जब वो दो मुस्लिम युवक ये नारे लगा रहे थे जबकि वो नारे भी नहीं थे, जबकि पाकिस्तान मुर्दाबाद का एक भी नारा नहीं लगाया गया था, फिर भी उन्हें हिरासत में ले लिया गया। ऐसी कड़ी कार्रवाई क्या इसलिए की गई कि वो मुस्लिम है? वही इस तरीके की वीडियो को वायरल करने वाले युवकों पर क्या कुछ प्रक्रिया होगी? अब देखने वाली बात यह है कि राजस्थान पुलिस क्या ऐसे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई करेगी जिन्होंने ऐसे भ्रामक मुद्दे उठाकर ट्वीट किए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए जनहित आवाज पर और देखते रहिए जनहित आवाज। नमस्कार।